प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो चलो हम बिना देर के हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर किसी इंफॉर्मेशन या डाटा को इंसर्ट करने में काम आते हैं। वह सभी डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर किसी इंफॉर्मेशन या डाटा को इंसर्ट करते हैं, वह सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। और वह सभी डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं या किसी तरह का रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वह सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो शुरू करते हैं हम जो कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं बाई पिक्चर उनको समझते हैं। जो पहला इनपुट डिवाइस है वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आप सभी ने देखा होगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग 104 बटन होते हैं, जिस तरीके का दिखाई देता है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में 98 से 120 के की होती है और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जनरली 104 कीज होती हैं। कीबोर्ड के अंदर नंबर कीज होती है और स्पेस बार, टेक्स्ट की आदि बटन इसमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है अपना माउस। माउस आप सबने देख रखा होगा, माउस कुछ चूहे जैसा दिखाई देता है, यह है माउस। माउस के अंदर बेसिकली तीन बटन होते हैं, जो मिड में होता है उसको हम स्क्रोल व्हील कहते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन होता है। बेसिकली राइट बटन का यूज किसी लिस्ट को ओपन करने में होता है और लेफ्ट बटन का यूज किसी भी फंक्शन को एक्टिव करने के लिए होता है। माउस के नीचे एक ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है जो कि माउस के डायरेक्शंस को रीड करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला अपना जो इनपुट डिवाइस है वह डिवाइस है अपना स्कैनर। स्कैनर बेसिकली डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में काम आता है। ये जो आपके सामने है एक स्कैनर है। स्कैनर का यूज होता है डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना और कंप्यूटर के अंदर उसको इनपुट एज ए इनपुट इनपुट कराना। कई बार आप लोग ई मित्रा पे जाते हो या किसी बैंक के अंदर जाते हो, वहाँ पे आपके बैंक की डायरी या ई मित्रा के अंदर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह को आपसे ले लिया जाता है, वहाँ पे इसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो अगला इनपुट डिवाइस अपना वो है माइक। माइक किस तरह से इनपुट डिवाइस है? जब भी हम किसी बात को बोलते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम स्पीच के थ्रू स्पीक करके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं, तो माइक भी एक एज इनपुट डिवाइस वर्क करता है। और माइक के अलावा स्पीकर होता है, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, माइक एक इनपुट डिवाइस है, तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बार कोड की तरफ। बार कोड क्या है? बार कोड एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड एक QR कोड को रीड करने की एक मशीन है। आप कई बार जनरली आप देखते हो कि जैसे कि मेडिकल स्टोर की दुकानों पर जो टैगलेट्स होते हैं उसके पीछे एक बार कोड लिखा होता है। जनरली आजकल सभी जो भी सामान हम परचेस करते हैं उनके सभी में बार कोड आता है और बार कोड को रीड करने में काम आता है बार कोड मशीन। ऐसे कोई भी डिवाइस जो कि किसी इंफॉर्मेशन को या किसी डाटा को प्राप्त करें, कंप्यूटर तक या CPU तक पहुँचाएँ, तो सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। एंटीना क्या करता है? एंटीना सिग्नल प्राप्त करता है और सेटेलाइट तक पहुंचाता है, तो इसलिए एंटीना भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। जो पहला आउटपुट डिवाइस जो है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी है मॉनिटर। आप सभी जानते हो मॉनिटर है LCD, LED, आपके घर पे भी TV अवेलेबल है। TV क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉनिटर के थ्रू ही तो हम किसी चीज़ को देखते हैं कंप्यूटर से, तो आप इस बात को ध्यान रखें मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो अगला आउटपुट डिवाइस है अपना वह है प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में आप सब जानते हो। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस काम में आता है? प्रिंटर फोटो कॉपी निकालने में, प्रिंट आउट निकालने में, कंप्यूटर से अपना सिलेबस निकालने में, ठीक है, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका प्रिंट आउट प्राप्त करने में, इन सब में हमारे प्रिंटर काम में आता है। प्रिंटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो आउटपुट डिवाइस है अपना वह है स्पीकर। स्पीकर किस तरीके से आउटपुट डिवाइस है? अभी हमने समझा कि माइक क्या है, एक इनपुट डिवाइस। आप देखते हो कई बार कि हम माइक से क्या देते हैं? स्पीच देते हैं, माइक में बोलते हैं और स्पीकर से आवाज आती है। तो माइक अपने वॉइस को सुनता है, इसलिए माइक क्या है? इनपुट डिवाइस। और स्पीकर उस क्या करता है? उसको हाई वॉल्यूम में, स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला जो अपना आउटपुट डिवाइस है वह कौन सा डिवाइस है? स्पीकर के बाद में, स्पीकर के बाद में प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर तो आप सभी ने देख ही रखा होगा,
इस तरीके के दिखाई देता है प्रोजेक्टर। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर किस काम में आता है? प्रोजेक्टर से हम कोई भी वीडियो होता है उसको बाई बोर्ड या बाई वॉल उसको हम बड़ी स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस अपना और डिवाइस अपना जो अगला है आउटपुट डिवाइस, और भी जैसे कहीं आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है, तो देखो इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो लेफ्ट साइड में है वो इनपुट डिवाइस है और जो राइट साइड में है वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के अलावा सेंटर के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस के नाम यहाँ पे डाले गए हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली जो डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, टच स्क्रीन है, वेबकैम है, फैक्स है, मॉडम है, ये एज ए इनपुट भी काम करते हैं और एज ए आउटपुट भी काम करते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। इसके अलावा जैसे कीबोर्ड है, ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, इनके बारे में अभी हम समझ रहे हैं, अभी हमने भी समझा है कुछ देर पहले, ठीक है। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जैसे हेडफोन है, हेडसेट है, लेजर प्रिंटर है, स्क्रीनर है, इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सब क्या आउटपुट डिवाइस है। जो मिड में जो दे रखा है, जो सेंटर में दिखा रखे हैं जो पिक्चर्स, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, टच स्क्रीन, वेबकैम, फैक्स, मॉडम, ये सब क्या है? ये एज ए इनपुट डिवाइस भी वर्क करते हैं, एज ए आउटपुट डिवाइस भी वर्क करते हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।